शिवसेना नगर सेवक किशोर कुमेरिया का जोरदार झटका। आम जनता के रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाऊंगा। नागपुर के भांडे प्लॉट परिसर में आज शिवसेना नगर सेवक तथा पूर्व उपमहापौर किशोर कुमेरिया ने ग्रेसियस हॉस्पिटल को लगाया फटका। जानकारी के मुताबिक एक मध्यम परिवार की बीमार महिला को यहां भर्ती किया गया था, जिसके बाद उसके परिवार से 1.5 लाख रुपए अस्पताल के अधिकारियों ने लूटे, जिसका कोई पर्चा भी पीड़ित परिवार को नहीं दिया गया। पैसे की तंगी से परिवार ने बीमार महिला को अस्पताल से सरकारी अस्पताल ले जाने की सोची, मगर इस बड़े अस्पताल के अधिकारियों ने मरीज को देने से इनकार किया, जिससे महिला के परिवार को काफी दिक्कतें आई है। उन्होंने 2 डॉक्टर से मदद मांगी, मगर किसी ने एक नहीं सुनी। तभी पीड़ित किशोर कुमेरिया से मिले, उन्हें अपनी बात बताई और जनप्रतिनिधि ने तुरंत अस्पताल जाकर कालाबाजार करने वाले अधिकारियों को जोरदार फटकार लगाई तथा उनके पर्स से उन्हें रूबरू करवाया, जिसके बाद अस्पताल में शांति कायम की। फिर कुछ मिनटों में अस्पताल के अधिकारियों ने बीमार महिला को उनके परिवार को सौंप दिया और पीड़ित परिवार ने किशोर कुमेरिया जी का धन्यवाद किया, जिसके बाद जनप्रतिनिधि ने आह्वान किया है, जहां भी अन्याय होगा मैं वहां जाऊंगा आम जनता की सहायता के लिए, चाहे जो भी परिणाम मुझे भुगतना पड़े। हॉस्पिटल वाले समन्वय करणार नाही किंवा सांगणार नाही, तर त्या लोकांना दुसरं आंदोलन करावं लागेल किंवा फोडफाड करावं लागेल किंवा उपाशी मारावं लागेल किंवा आत्महत्या करावं लागेल। म्हणून या ठिकाणी अशा हॉस्पिटलवाल्यांनी समन्वय ठेवणं गरजेचं आहे, किमान त्या नातेवाईकाशी बोलणं गरजेचं आहे आणि त्यांना सांगणं गरजेचं आहे। अशा प्रकारचं प्रत्येक हॉस्पिटलवाल्यांनी समन्वय साधला पाहिजे, केला पाहिजे, लोकांना त्यांच्या नातेवाईकांना सांगितलं पाहिजे। राजकुमार मोरके साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट, इन बी सी एन न्यूज नागपूर।